अब मीडिया हो या सोशल मीडिया, हमेशा से ही सलमान खान चर्चाओं के केंद्र में बने ही रहते हैं। और इसी कड़ी में अब सलमान खान को लेकर एक चौंका देने वाली खबर सामने आई है और ये मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। खबर थी कि सलमान खान के फार्म हाउस में कई सारे फिल्म स्टार की लाशें दफन हैं और इसी कड़ी में पनवेल फार्म हाउस में NRI पड़ोसी संघ बॉलीवुड स्टार सलमान खान के चल रहे केस में उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। मुंबई के अब सिविल कोर्ट ने माना है कि केतन कक्कड़ जमीन को लेकर सलमान खान के खिलाफ जो आरोप लगाए थे वो वास्तव में सही थे। वहीं दूसरी तरफ सलमान ने यह दावा किया था कि आरोप बदनाम करने के लिए उन पर लगाए गए थे। कोर्ट ने अपना आदेश केतन की तरफ से दिए गए दस्तावेजों सबूतों पर आधारित किया है, जिसमें दिखाया गया था कि सलमान ने उन्हें अपनी जमीन पर आने से रोक दिया था। कोर्ट ने यह भी कहा कि परमेल हाउस में केतन कक्कड़ ने जो भी आरोप लगाए थे वो सही हैं। ऐसे में सबूत है जो सलमान खान के खिलाफ अवैध अतिक्रमण और फॉरेस्ट एक्ट के उल्लंघन के दावों को साबित करते हैं। इस पूरे मामले की तरफ से डालें तो सलमान खान अपने फार्म हाउस वाले मामले को लेकर इन दिनों काफी ज्यादा विवादों में आ गए हैं। पत्रिका.com की एक्सक्लूसिव खबर की माने तो मामले की सुनवाई अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश AH लड्ढा ने की है। जज ने 50 पन्ने के अपने आदेश में केतन कक्कड़ के सोशल मीडिया अकाउंट को ब्लॉक करने की सलमान खान की मांग को खारिज कर दिया है। अदालत ने पाया कि कक्कड़ ने ऐसे दस्तावेजों को पेश करते हुए इस बात की पुष्टि की थी कि सलमान खान ने उन्हें अपनी जमीन पर आने से रोक दिया था। ठीक इसी कड़ी में अगर पूरे मामले की तरफ से डालें तो महाराष्ट्र के पनवेल में सलमान खान का एक शानदार फार्म हाउस है, जिस फार्म हाउस का नाम है पनवेल फार्म हाउस, और इसी के बगल में कक्कड़ का भी एक प्लॉट है। उनका आरोप यह है कि प्लॉट तक जाने के रास्ते को सलमान खान ने ब्लॉक कर दिया है। और अभी हाल ही में सलमान खान के वकील प्रदीप गांधी ने अदालत को बताते हुए कहा था कि केतन ने सलमान खान पर आरोप लगाया है कि सलमान डी गैंग के फ्रंटमैन हैं। सलमान के धर्म पर टिप्पणी भी की है, उन्हें राष्ट्रीय और राज्य स्तर के नेताओं का करीबी बताया। ये भी दावा किया गया था कि सलमान खान बच्चों की तस्करी में शामिल है और उनके फार्म हाउस में कई फिल्म स्टार की लाशें दफन हैं। इसके साथ ही सलमान खान के वकील ने सभी आरोपों को खारिज भी किया था। अब यह ऐसा पहला मामला नहीं है जब सलमान खान को कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़े हों। इससे पहले भी सलमान खान का नाम कई सारे विवादों के साथ जुड़ चुका है और वो कोर्ट कचहरी के चक्कर भी काट चुके हैं। ऐसे में सलमान खान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वहीं दूसरी ओर अगर सलमान खान के फार्म हाउस की बात करें तो ये नवी मुंबई से सटे महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित है और ये फार्म हाउस करीब 150 एकड़ के बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बताया गया कि इसमें करीब 3 बंगले, 1 स्विमिंग पूल, 1 जिम के साथ साथ कई अन्य सुविधाएं भी शामिल हैं। सलमान खान का फार्म हाउस उनकी बहन अर्पिता के नाम पर भी है और वो अपने बर्थडे पार्टी और कई बार फैमिली गैदरिंग के लिए यहां आते जाते रहते हैं।